नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई भारत के लिए, जी हाँ, भारत में फ्लाइटों के बारे में बात करेंगे कि भाई देखिए इंडिया की अगर बात करेंगे भाई, इंडिया के लिए फ्लाइटें स्टार्ट क्यों नहीं हो रही है, क्या कारण है, जबकि भारत में कोरोना के केस कम हो रहे हैं। आप सबको पता है, आपको पता होगा कि अप्रैल में अगर 1 लाख तक केस पर डे आ रहे थे, तब तक बहुत सारे देशों में इंडिया के लिए फ्लाइटें स्टार्ट थी, आप सबको पता है। उसके बाद में जैसे कोरोना का बूम बढ़ा बढ़िया तरीके से, 4 लाख पर डे तक केस आने लगे, एकदम भयंकर तरीके से मारामारी हो गई थी। 1 लाख के बाद में धीरे धीरे फ्लाइटें शायद अप्रैल में बंद होना स्टार्ट हो गई थी, जो अभी तक 3-4 चौथा महीना चल रहा है, अभी बंद ही चल रही है। जी हाँ, लेकिन अभी वो देखिए बात, कहाँ 4 लाख के केस आ रहे थे, अभी 40,000 से भी कम केस आ रहे हैं, उनके बावजूद भी इंडिया की फ्लाइटें बैन क्यों हैं। जी हाँ, अलग अलग देशों ने बैन करके क्यों रखा है, इसका क्या कारण हो सकता है। जी हाँ, इसका बैन का रीज़न है, क्यों जानेंगे कि भाई फ्लाइटें बैन क्यों हैं, इसका क्या रीज़न, अंदरूनी बातें हो सकती हैं, कब तक फ्लाइटें स्टार्ट हो सकती हैं, इस पर हम डिटेल से बात करेंगे। किन किन देशों ने फ्लाइटें बैन करके रखी हैं, किन देशों ने अभी छूट दे रखी है, डिटेल से जानेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें, ताकि हर रोज़ आपको वी से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। बात करें गल्फ देशों में, जैसे सऊदी, कुवैत, यूएई, ओमान, बहरीन, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, फिलीपींस, फ्रांस, जी हाँ साथियों, जर्मनी आदि, ये जो देश हैं, जितने भी और भी बहुत सारे देश हैं जिन्होंने इंडिया के लिए फ्लाइटें बैन करके रखी हैं। बाकी भाई देखिए, इंडिया का जो एयर बबल समझौता है लगभग 26 या 28 देशों के साथ होगा, आपको सबको पता ही है, इतने ही देशों के साथ एयर बबल समझौता है, अग्रीमेंट हुआ है कि भाई हमारी फ्लाइटें आपकी यहाँ आएंगी, हमारी आपके देशों में जाएंगी। जी हाँ, बाकी तो देशों की फ्लाइटें बंद हैं, आप सबको पता है। यूएई ने हालांकि 5 अगस्त से फ्लाइटें स्टार्ट की हैं, वो भी भाई मैं स्टार्ट करना नहीं मानता, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत के लोगों को लेके जाएगी, बाकी जिनको ज़रूरी जाना है वो तो बैठे हैं, और जिनको अपनी ज़रूरत के लोगों को लेके जा रहे हैं तो उस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। हालांकि कुछ देशों ने छूट दी है, जैसे बात करें स्टूडेंट से रिलेटेड, स्टूडेंट भाई देखिए, स्टूडेंट की अगर बात करें तो प्रतिबंध हैं जो उसमें छूट दी है, जैसे अमेरिका है, इंग्लैंड है, कनाडा है, जर्मनी है, नीदरलैंड है, बेल्जियम है, लक्जमबर्ग है, जॉर्जिया है आदि, ये जो देश है ना, ये इन्होंने छूट दी है भाई। छूट देखिए, मैं जहाँ तक सोचता हूँ ना, लोग हालांकि अलग तरीके से बताते हैं, लेकिन मेरी जो सोच है ना, स्टूडेंट को छूट देने का मतलब होता है कि जो लोग इंडिया से स्टूडेंट, हज़ारों स्टूडेंट भाई अलग अलग देशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, और स्टूडेंट एक ऐसा एक फिक्स है कि यहाँ से जो स्टूडेंट विदेश में पढ़ने के लिए जा रहा है वो इंडिया का पैसा लेके विदेश में जा रहा है, इस बात को मानते हैं आप, समझ रहे हो बात को। जिन भी देशों में स्टूडेंट स्कूलों में बच्चे एडमिशन के लिए आते हैं तो पैसा मिलता है, सीधी बात है, इंडिया में देख लीजिए, और अगर वर्कर लोग हैं कमाने के लिए जाते हैं वो वहाँ से पैसा अपने देश भेजते हैं, तो ये एक थोड़ा सा रिस्की है, तो इसको तो कर दिया आउट बहुत सारे देशों ने। स्टूडेंट वीज़ा वालों को बोला आप आ जाओ जी, हम आपको ढील देते हैं और बैग भर के पैसों के लिए आना, क्योंकि भाई यूरोप कंट्री हैं, लाखों रुपए में इनकी सालाना फीस पड़ती है, आप बैग भर के ले आओ, डीडी के या पहले से डीडी में जमा करा दो हमारे कॉलेज के नाम से, आप आ जाओ, आपको छूट दे देंगे, क्योंकि पैसा बोलता है, पैसा आता है ना इंडिया का, हज़ारों लोग पढ़ने के लिए बच्चे जाएंगे और पैसा लेके, मेरी ये सोच है। जी हाँ, और अगर यही देश छूट दे रहे हैं, ढील दे रहे हैं, तो और लोगों को क्यों नहीं देते, लॉजिकली बात है ना कि भाई स्टूडेंट को ही दे रहे हैं, क्योंकि ये तो बैग भर के पैसा लेके जाएंगे, वहाँ पढ़ाई करके वापस आएंगे या वहाँ सेटल होंगे, आगे की बात है, और जो वर्कर हैं या और भी जो लोग जा रहे हैं वो वहाँ जाके पैसा लेके नहीं जाएंगे, हो सकता है वो कोरोना लेके चले जाएं बैग में भर के, इसलिए उनको स्टॉप कर रखा है सभी देशों ने। जी हाँ भाई, अगर मोटा मोटी बात करें तो इंडिया में कोरोना कम होने के बावजूद भी देशों ने फ्लाइट बैन करके रखी, इनके 3 कारण मोटे मोटे हो सकते हैं या हैं। जी हाँ, पहला रीज़न तो यही था कि भाई दुबई में इंडिया की अगर बात करें ना, कोरोना हाई लेवल पे पहुंच गया था, लोग डर गए थे विदेश वाले कि इस डर के चक्कर में फ्लाइटें बंद कर दी, उनके बाद में धीरे धीरे कोरोना कम हुआ, अभी आंकड़ा 40,000 के समथिंग चल रहा है, लेकिन इसका एक बड़ा रीज़न ये कि जो डेल्टा वेरियंट का जो कोरोना वायरस आया था, आप सबको पता होगा, वो सबसे पहले बताते हैं कि इंडिया में मिला था। जी हाँ, डेल्टा वेरियंट इसको बोल रहे हैं, डेल्टा कोरोना बोल दो, डेल्टा वेरिएंट बोल दो, ये कोरोना सबसे ज़्यादा इंडिया में मिला था, और इसको सबसे ज़्यादा घातक माना जाता है, जल्दी से अटैक करता है, वायरल करता है, बहुत सारे लोगों को एक साथ में जकड़ लेता है ये।
इस चक्कर में हर हर देश डरता है कि भाई यार, क्योंकि वही बात है कि हम दूर की कोई बात को सुनते हैं तो वो ज़्यादा भयभीत लगती है, पास में जाते हैं तो इतना डर नहीं लगता। और दूसरे सरकार तो ये सोचेंगे ना कि इंडिया में डेल्टा वेरियंट आया, पता नहीं कितना खतरनाक है, वहाँ क्या स्थिति होगी, तो फ्लाइटें जैसी थी वैसी की वैसी करके बैठे हैं, अभी तक कोई ओपनिंग नहीं की है। जी हाँ, सबसे बड़ा रीज़न ये हो सकता है। सेकेंड रीज़न की अगर बात करें तो उन देशों की खुद की स्थिति देख लो भाई, जिन्होंने फ्लाइटें बैन करके रखी हैं उनमें भी तो कोरोना है, ये तो है नहीं कि उनमें तो कोई कोरोना ही नहीं है और वो आराम से बैठे हैं जी दूसरे देशों का आना, उनमें तो खुद में कोरोना है, वो तो खुद बेचारे जूझ रहे हैं, तो उनको डर लगता है कि हम तो यार पहले से कोरोना में बैठे हैं। रुवांडे जितने जितने छोटे छोटे देश हैं, इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, या फिर बहुत सारे लोग एक साथ जाते हैं तो डर लगता है कि भाई क्या पता कोरोना हो जाए, या फिर यात्रियों के साथ प्रॉब्लम हो जाए, बहुत सारी ऐसा होता है, आपको सबको सोचने की बात है। जैसे बहुत सारे देशों ने खुद के अंदर ही लॉकडाउन लगा रखा है, खुद की जनता के ऊपर ही लॉकडाउन लगा रखा है, तो दूसरी जनता को कैसे आने देंगे, नहीं आने देंगे, इसके लिए वो फ्लाइटें बैन करके रखेंगे, बंद करके रखेंगे। जी हाँ, ये एक बड़ा रीज़न हो सकता है। थर्ड रीज़न भाई यही है कि लॉकडाउन सबसे बड़ा है कि सख्ताई कर रखी है कि भाई हर चीज़ को पाबंद, इंडिया में भी तो भाई सख्ताई थी, अभी भी बहुत सारे स्टेटों में सख्ताई है, लॉकडाउन है, मतलब कुछ हद तक 40% लॉकडाउन अभी भी चल रहा है, पूरी सुविधाएं पूरी चीज़ें अभी लोगों को नहीं मिल पा रही है। तो जब वही बात है कि जो अपने लोगों के ऊपर कंट्रोल कर रहे हैं, अपने देशों के ऊपर, कि वहाँ पर भी लॉकडाउन जैसी स्थिति है, तो फिर वो दूसरे देशों को फ्लाइट कैसे आने देंगे, नहीं आने देंगे। यही एक रीज़न है कि इसी वजह से अमेरिका देख लो भाई, अमेरिका में रोज़ पर डे 70-80,000 केस आ रहे हैं, छोटा सा देश है। यूके में देख लो, इंग्लैंड में रोज़ 30-35,000 केस आ रहे हैं, छोटा सा देश है। तो वो लोग इंडिया की फ़्लाइटों को क्या इजाज़त देंगे यार, वो तो उनकी स्थिति खुद की ख़राब है। तो ये एक रीज़न हो सकता है। ये 3-4 जो रीज़न है मैंने बताए, यही रीज़न है कि फ़्लाइटें स्टार्ट नहीं हो रहे। सबसे बड़ा रीज़न भाई डेल्टा वेरिएंट का हो गया, क्योंकि ये इंडिया में सबसे पहले स्टार्ट हुआ था। जी हाँ, और फिर ये अलग अलग देशों में फैल चुका है, लगभग 50-60 देशों में। तो लोगों को डर लगता है कि यार पता नहीं हमारे देश में ये आ जाए तो हमें, क्योंकि बताए फर्स्ट वेव जो आई थी कोरोना की, फर्स्ट लहर आई थी उसमें कंट्रोल कर लिया गया था, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। सेकेंड लहर जो आई थी इंडिया में भयंकर तरीके से रूप लिया था, और ये सभी देशों में ये चर्चा, ये न्यूज़ फैल चुकी थी, स्थिति देख रहे। आजकल पता है भाई, सोशल मीडिया है, इंटरनेट का ज़माना है, सब कुछ पता लग जाता है एक दूसरे सरकार को, आंकड़े दबाए नहीं जाते, छुपाए नहीं जाते, सरकार दबा लेती है लेकिन और कहीं से पता लग जाता है, क्योंकि इतने सोशल मीडिया हैं, इतने टीवी चैनल हैं, सरकार का सब पे नियंत्रण नहीं होता है कि न्यूज़ को दबा दिया जाए। बहुत सारी न्यूज़ चैनल ऐसी होते हैं वो कहीं ना कहीं खबर लीक हो जाती है, अलग अलग देशों में पहुंच जाती है। भाई आप रिक्वेस्ट ये भी करूंगा, जो लोग सिंगापुर के, कनाडा के, पता नहीं ऑस्ट्रेलिया के, कहां कहां के वीज़ा लिया घूमते हैं, उनको बता दूं अभी फ्लाइट ही जब बंद हैं तो आप जाओगे कहां से। एजेंट आपको फर्जी वीज़ा दे रहे हैं, फर्जी ऑफर लेटर दे रहे हैं, तो उनसे आपको बचना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है। बाकी हम अगर सोचें कि भाई इंडिया के लिए क्या स्थिति हो सकती है, तो भाई फ्लाइटों की बात करें तो भाई इंडिया का एकमात्र ऑप्शन है वैक्सीनेशन। एवरेज अगर देखा जाए तो 40 लाख के करीब रोज़ वैक्सीनेशन इंडिया में होता है। अगर अगस्त ये पूरा निकल जाएगा आराम से, तीसरी लहर की शंका नहीं बनेगी, तो चांस बनता है अगले महीने से अच्छी फ्लाइटों की शुरुआत होने से। जी हाँ, और भाई अगर अगस्त में काम गड़बड़ हो गया, क्योंकि 37,000 इंडिया में आंकड़े आकर वापस 42,000 पहुँच जाना छोटी बात नहीं होती। हालांकि अगस्त एक की अगर बात करें, एक या दो की, तो समथिंग 40,000 के करीब आंकड़े थे, इससे भी ज़्यादा नहीं बढ़ें और अगस्त निकल जाए तो सब कुछ ठीक हो जाता है, क्योंकि रोज़ 40 लाख लोगों को वैक्सीन लगना एक महीने में, आप समझ सकते हैं। तो कहने का मतलब अगस्त महीना अगर निकाल दिए ना इंडिया ने, और कोरोना का माहौल नहीं बिगड़ा, स्थिति कंट्रोल में रही, तो वैक्सीनेशन बढ़ रहा है, तो चांसेज हैं भाई कि सभी देश फ्लाइटें धीरे धीरे करके ओपन कर सकते हैं। अगर अगस्त का महीना ख़राब हो गया तो आप लोगों के लिए समझ लेना कि बड़ी प्रॉब्लम आने वाली है, फिर आप ये उम्मीद करना कि 1 जनवरी 2022 से पहले स्टार्ट फ्लाइटें नहीं होंगी। बाकी हर तरफ उम्मीद यही है, लोग बयान देख लो किसी का सोशल मीडिया पे, साइंटिस्ट के, डॉक्टर्स के, कि तीसरी लहर इंडिया में आने वाली है, सरकार को पहले से कदम उठा लेना चाहिए। जी हाँ, बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। बस ये अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए भाई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।